बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कंसिडर करते हैं। एक को प्लेट ए का नाम दे देते हैं, दूसरी को प्लेट बी का नाम दे देते हैं। बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ए पर नेगेटिवली चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान फील्ड एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड दी नेगेटिव प्लेट। मैं अगर इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस करता हूँ तो नेचुरली इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी, जिसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट इंटू ई। पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी और चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ड्यू टू दिस फोर्स क्यू नॉट इंटू ई। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को मूव करना चाहूं अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं एफ फोर्स अप्लाई करता हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जिसकी वजह से चार्ज पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैं अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी को पिक करता हूँ और उसे सर्टन हाइट तक लेकर जाता हूँ। तो ये काम करने में मुझे वर्क डन करना पड़ता है और यही वर्क डन उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये सारा प्रीवियसली पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर आपने। यही काम जब मैंने इस फील्ड में किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के फोर्स अप्लाई की और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्क डन किया, तो मेरा ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दिस मीन्स कि माय वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि ए से बी तक मूव करने में आई। लेकिन ये फोर्स अप्लाई करते हैं हम सर्टन कंडीशंस के अंदर कि चार्ज को फोर्स अप्लाई करने के बाद जब मूव करना है ए से बी तक, तो चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी कि चार्ज या तो रेस्ट पर हो और अगर मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और डेफिनेटली जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रही होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हम इसके लिए करते क्या है कि हम फोर्स भी अप्लाई करें और इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो इसके लिए हम अप्लाइड फोर्स को क्यू नॉट इंटू ई के इक्वल रखते हैं। हम फोर्स इस तरह अप्लाई करते हैं कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट इंटू ई के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी, और कैंसिल करने से नेट फोर्स जीरो होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा और चार्ज पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए हम इनिशियली फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उससे माइनस ही ज्यादा लगाते हैं और उसके बाद दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम इस चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारी अप्लाइड फोर्स है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। तो मैं इसको कह सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल जो हमने ए से बी तक मूव करने में किया। और इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह भी लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए, वेयर यू बी एंड ए आर द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसे मैथमेटिकली लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वेयर वी बी एंड वी ए आर द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने प्रीवियसली पढ़ा वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो मैं इस रिलेशन के अंदर वर्क फ्रॉम ए टू बी को चेंज कर सकता हूं डेल यू से, तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी जो है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में। मैं अगर इस यू नॉट को मूव कर दूं
और डेल वी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। और हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क डन के, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भी लिखा जा सकता है इसे। और यहां से हम इसे इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां से हम इसके यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट लिखने के लिए मैं प्रीवियस रिलेशन दोबारा लिखता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी से बोला जा सकता था। वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं? जाउल। चार्ज क्या है? कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है वोल्ट्स के अंदर। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। एंड वी कैन डिफाइन इट एज दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर कीपिंग इक्विलिब्रियम इज 1 जाउल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय टर्म एक्सप्लेन करना चाहूं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल वही काम करना पड़ेगा जो प्रीवियसली हम करके आए थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टॉपिक में, कि हमने एक पॉइंट को इन्फिनिट पे कंसिडर किया था और इन्फिनिट से मूव किया था विद इन द फील्ड, तो हमने वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की टर्म डिफाइन की थी। तो मैं बिल्कुल उसी वे के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जो ए प्लेट थी उसको ले जाऊंगा इन्फिनिटी पे और वहां से चार्ज को मूव करूंगा फ्रॉम ए टू बी, और जितना वर्क डन किया जाएगा दैट वन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीप इट इन इक्विलिब्रियम। हमारा ये प्रीवियस रिलेशन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और हमें पता है कि अगर ए प्लेट को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए जो वी ए के इक्वल था वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैं इस कंडीशन को इम्पोज करता हूं तो ये रिलेशन लिखा जाएगा वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ पे एक बात नोट डाउन करने वाली है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज स्टिल ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। कैसे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट के केस में, उसमें एक प्लेट का पोटेंशियल जो है वो जीरो कंसिडर किया जाता है लाजमी तौर पर। लेकिन जब हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म बोलते हैं तो लाजमी नहीं कि एक पॉइंट जिसके रेफरेंस से हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रीवियस पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल जीरो हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज बोथ वर्क एंड द चार्ज आर स्केलर। थैंक यू।